तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं, जो है चावल के आटे से ये मटर वाली पूड़ी बनी है। इसे आप पूड़ी बोले या कचौरी बोले, जो भी बोल सकते हैं। मतलब इसे भरना बिल्कुल भी आसान होता है। वीडियो का पूरा प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो ये कितना अच्छा और कितना मतलब यमी बनता है। इसे आप चाहे तो इसके साथ कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके साथ टमाटो सॉस, या फिर कोई मतलब किसी भी चीज़ से इसे खा सकते हैं, या फिर सूखा भी इसे खा सकते हैं। ऐसे ही कचौरी ये अलग तरीके की बनती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने मटर लिया था अलग से। अभी तो मटर मार्केट में आ ही रही है, बट अब ख़त्म होने वाली है धीरे धीरे, लेकिन अभी तो मार्केट में मिल ही रही है मटर। और ये मैंने 2 चम्मच पचफोरन लिया था, 2 चम्मच मैंने पचफोरन लिया था। और मैं हरी मिर्च को अलग से कट करके रखी हूँ। धनिया, 3 चीज़ें मैंने अलग से ली थी, बाकी मटर थी और चावल का आटा। और मटर को मैं मिक्सी के जार में इस तरीके से ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद इसे हमें जो चीज़ें हमने लिए थे, पचफोरन हो गया और हरी मिर्च, उसे हम इसमें थोड़ा सा तेल लिया सरसों का, कढ़ाई में गरम कर लिया था, और इसमें तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के बाद फिर हम इसे इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे धीरे धीरे। हमने 3 चम्मच, जिस चम्मच से आप खाना खाते हैं उसी चम्मच से आपको 3 चम्मच जीरा लेना है, और 3 चम्मच जीरा नहीं लेना है, 3 चम्मच पचफोरन आपको लेना है, ताकि इसका प्रोसेस बहुत ही अच्छा और खुशबूदार बने। और थोड़ी सी हमें कुटी हुई काली मिर्च लेनी है, और थोड़ा सा सौंफ अलग से लेना है। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, इससे भी अच्छी खुशबू आती है। और इसमें हम थोड़ा सा हरी मिर्च को अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे, ताकि इस ब्राउन करने पे क्या होता है कि इसका तीखापन पूरा अच्छी तरीके से इसमें आ जाता है, और ये बहुत ही यमी बनता है। और धनिया को भी हमने इसमें ऐड कर दिया, और अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के बाद हमारा जो मटर का मिक्सचर पीस के रखे थे, उसे भी इसमें ऐड करके अच्छे से बराबर पलटे की सहायता से इसे चलाते हुए हम भूनते रहेंगे। फिर हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़े से गरम मसाले, इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे हम धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका प्रोसेस इसमें जो पानी का जो है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, मतलब सोख ले, जल जाए पानी पूरा अच्छे तरीके से। और इसे देखिए, इस तरीके से हमने अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद हम इसे अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हमें भरना तुरंत नहीं है, इसे हमें 1 घंटे या फिर आधे घंटे के लिए एक साइड करके रख देना है, ताकि पूरी तरीके से ये ठंडा हो जाए, तो भरने में बहुत ही आसानी होती है। और देखिए, हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था, 1 घंटे हो गए हैं, और आटे भी हमने गूँथ लिए थे चावल के। वैसे आटे का प्रोसेस मैंने आपको गूँथना दिखाया नहीं है, क्योंकि आटा हर किसी को गूँथना आता है, तो मैंने चावल का आटा अलग से गूँथ लिया है। और ये भी पूरा इस आटे में भी मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। और देखिए, मैं भर के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसे भर के बनाया जाता है। छोटी छोटी हमें लोइयाँ ले लेनी है, आटे की, आप रोटी की एक लोइयाँ जिस तरीके से लेते हैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। बट इसे आटे, सूखे आटे को लगा के इस तरीके से गोल सी लोइयाँ बना लेनी है। लोइयाँ बनाने के बाद हमें इसमें आप चाहे तो चम्मच लें, या फिर कोई भी चीज़ से आप एक चम्मच इसमें अच्छे से इस तरीके से भर लें। भरने के बाद इसे धीरे धीरे चारों साइड से इसे बंद करना बिल्कुल भी आसान होता है। गेहूं के आटे का बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चावल के आटे का फटक से बंद हो जाता है। और अगर बेलना ना आए तो आप इसे इस तरीके से छोटी छोटी लोइयां टाइप करके हल्का सा सूखा आटा लगा लें, फिर इसे थोड़ा थोड़ा लोइयों की तरह से इस तरीके से हल्के हाथों कर दें, फिर ये बन के अच्छी तरीके से रेडी हो जाता है। इसी तरीके से हमें सारी लोइयां या फिर कचौरियां इसी तरीके से बना लेनी है, या फिर पूड़ी कहिए या फिर कचौरी कहिए, जो भी कहिए, सारे प्रोसेस हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद हम तेल को हाई, मतलब ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है, तेल हमारा थोड़ा सा ही गर्म होना चाहिए, ताकि इसे हम धीमी आंच में जब पकाएंगे तो इसका प्रोसेस पूरा अंदर तक अच्छे से हो जाता है। अगर हम
तेल को ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये पहले से ही ऊपर का जल जाएगा और अंदर का पोर्शन हुआ ही नहीं रहता है। इस वजह से हमें तेल को थोड़ा स्लो ही गैस पे करना है और इसे धीरे धीरे पकाना है। इसे हम ऐसे ही धीरे धीरे पकाते हुए हल्का हल्का घुमाते हुए अच्छे से सारा जितना हमने बनाया था वो धीरे धीरे इसी तरीके से हम पका लेंगे। पकाने के बाद हम एक बर्तन में एक साइड निकाल लेंगे। देखिए हम धीरे धीरे इसे सारे इसी तरीके से हमें निकाल लेना है। आपको अगर फुली फुली कचौरियाँ चाहिए ये चावल के आटे की तो आप इसमें, मैंने चावल के आटे में कुछ भी ऐड नहीं किया, आपको चावल के आटे में थोड़े से सोडे ऐड करने या फिर इनो ऐड कर दीजिए तो और करके और 10 मिनट के लिए रख देंगे तो ये बहुत ही फुली फुली बनती हैं। बट मैंने, मुझे आज होली का दिन त्यौहार था तो बहुत लोगों ने जल्दी जल्दी बनाया था तो फटाफट मैंने इसे करके बना लिया और ये नाश्ता बिल्कुल भी अच्छे से बन के रेडी हो जाता है, बहुत ही जल्दी बनता है। और एक बार इसे ट्राई करेंगे, यकीन मानिए आप बार बार इस नाश्ते को बनाने की कोशिश करेंगे। और देखिए मेरा ये नाश्ता बन के बिल्कुल भी रेडी हो गया है और मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर का पोर्शन कितना अच्छे से पक गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको जैसी भी वीडियो